साथ मैं हूं अहम तारिक। अहम खबर से आगाह करें, इमरान खान के असेंबलियों से इस्तीफे देने के ऐलान के फौरी बाद हफ्ते की शब आसिफ अली जरदारी और वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के दरमियान नशाइये पर मुलाकात हुई। ये मुलाकात इस्लामाबाद के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रहायशगाह पर हुई। हफ्ते की रात होने वाली इस मुलाकात के बारे में मीडिया में इतवार की सुबह बताया गया और इसकी कोई तफसील जारी नहीं की गई। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पूर्व कार तकरीब कल होगी। जनरल कमर जवेद बाजवा कमान की छड़ी जनरल आसिफ मुनीर को सौंपेंगे। जनरल कमर जवेद बाजवा पाक फौज की 16वें आर्मी चीफ है। जनरल आसिफ मुनीर पाक फौज की कमान संभालने वाले 4वें आर्मी चीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने कहा है की प्रोपेगंडा और झूठे बयानी के बावजूद फौज के गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। अदारे को सिर्फ आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया गया है। फौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। रूस से सस्ते पाम तेल की खरीदारी पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी वफ्द वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की सरबराही में 3 रोजा दौरे पर मॉस्को रवाना हो गया है। ब्राइट के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द रूसी हुकाम से सस्ते पाम तेल की खरीदारी के लिए बातचीत करेगा। मटियारी मोटरवे फ्रॉड केस में असिस्टेंट कमिश्नर हाउस सैयदाबाद से 42 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। मुजरिम साबिक डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद की निशानदाही पर सिंध एंटी करप्शन ने कार्रवाई की। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहे KNN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।